हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन ईयर। सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा कम होगा और आपका स्कैल्प भी बहुत अच्छे से क्लीन होने में आपकी हेल्प करेगा। तो बिना कुछ देरी के चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका इजीली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना कुछ देरी के चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रेमेडी है हेयर ग्रोथ रिलेटेड। इसके लिए हमें यूज़ करेंगे ग्वावा लीव्स यानी कि अमरूद के पत्ते और पानी। यहाँ पर मैंने 10 से 15 अमरूद के पत्ते लिए हैं। इन्हें मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम इन पत्तियों को 2 ग्लास पानी में डाल देंगे और इसे अच्छे से हम एक बॉईल आने तक रख देंगे जब तक ये पानी की क्वांटिटी आधी ना हो जाए। अमरूद के पत्तों में विटामिन B3, B5 और B6 होता है। ये हमारे स्कैल्प की अच्छे से सफाई करता है और बालों को झड़ने से रोकता है। अमरूद के पत्तों में 9% पोटेशियम, 2% जिंक और 2% से ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिससे सर में होने वाली खुजली कम होती है, डैंड्रफ नहीं होता और बाल हमारे सॉफ्ट और मजबूत होने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने अमरूद के पत्तों को 2 ग्लास पानी में डाल दिया है। अभी हम फ्लेम बड़ा रखेंगे थोड़ा सा जब तक इसको अच्छे से बॉईल नहीं आता और ये पानी 2 ग्लास पानी का क्वांटिटी हाफ नहीं हो जाता, इट मींस 1 ग्लास नहीं होता, तब तक हमें इसको बॉईल करना है ताकि अमरूद के पत्तों में जितने भी विटामिन है वो हमारे पानी में ईजिली आ जाए। तो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर जितने भी अमरूद के पत्तों में जो विटामिन थे वो हमारे पानी में आ चुका है और इसका क्वांटिटी भी बहुत कम हो चुका है। तो हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये रूम टेम्परेचर में जब तक पानी नहीं आता तब तक हम इसको ऐसे ही रख देंगे। अभी ये पानी ठंडा हो चुका है, अभी हम इसको छान के एक ग्लास में निकाल लेंगे। ये पानी को आपके स्कैल्प पे और बालों पे अच्छी तरह से लगाना है और इसको 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप नॉर्मल माइल्ड शैम्पू के साथ अपने हेयर वॉश कर सकते हो। ये रेमेडी को आपको वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करना है और ये रेमेडी से आपके हेयर की ग्रोथ डबल हो जाएगी, डैंड्रफ का प्रॉब्लम ईजिली ख़त्म हो जाएगा। आई होप ये होम रेमेडी आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी कुछ अलग वीडियो के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।